हाय गाइस, दिस इज़ मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो कि बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक डी टैन पैक है। इसलिए मैं एक विशेष प्रोडक्ट लाई हूँ जिसका नाम है ग्लैमविदा। ये एक बहुत ही अच्छा डी टैन पैक है, इसे मैंने यूज़ किया है काफ़ी समय से। मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी समय से, मतलब कि मैंने एक ही परचेज़ किया है लेकिन मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। ये स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता। कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग ख़रीदते हैं तो सबसे मेन बात ये होती है क्या वो हमारी स्किन पर सूट करेगा। जैसे कि मैंने इसे यूज़ किया है कि ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत ही सूटेबल है, उसी तरीके से इसे ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों पर अच्छा सूट करेगा जिन पर कोई भी फेस पैक जल्दी सूट नहीं करता है। मेरी स्किन भी वैसी ही है, मेरे ऊपर जल्दी कोई फेस पैक सूट नहीं करता है। मैंने इसे यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे पहले जोवीज के, एवर यूथ के मैंने कई प्रोडक्ट्स यूज़ किए लेकिन मेरे ऊपर कोई फेस पैक सूट ही नहीं करता था, लेकिन इसने मेरे ऊपर सूट करके एक अच्छा काम किया है कि मेरे पैसे बच गए इसको परचेज़ करने पर, नहीं तो मेरे पैसे वेस्ट ही चले जाते थे। अलावा मेरे पास एक और ऐसा फेस पैक है जो कि मेरी स्किन पर बहुत अच्छे तरीके से उसने सूट किया था, वो उसका रिव्यू भी मैं जल्दी लेकर के आऊँगी बहुत जल्द। ये जो फेस पैक है इसमें कोजिक एसिड भी है और एलोवेरा की गुडनेस भी है, तो मुझे अच्छा लगा यूज़ करने पर। वैसे भी कभी कभी यूज़ करना रहता है और आप इसे रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ड्राई स्किन वालों की बात कर दी लेकिन मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए कुछ नहीं बताया। ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा और इसको लगाने पर फेस पे ठंडा ठंडा सा महसूस होता है और जब आप फेस वॉश करते हैं तो भी आपको बहुत ठंडा फील होता है क्योंकि आई थिंक इस पर पेपरमेंट ऑयल पड़ा हुआ है। इसलिए ये देखने में वाइट कलर का है और जब इसे अपने फेस पे आप अप्लाई करते हैं तो ये आसानी से अप्लाई हो जाता है और सूखने के बाद ये स्किन पे मैच होने लगता है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप वॉश करते हैं बड़ी इजी से ये वॉश भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है वॉश करने पे। और ये क्ले जैसा इफ़ेक्ट नहीं देता है जैसे बाकी फेस पैक को लगाने पर क्ले जैसा इफ़ेक्ट आता है। वैसे मैंने डी टैन पैक मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने एक डी टैन का ब्लीच यूज़ किया था जो कि फैम का था, लेकिन वो उसने मेरे पर कोई अच्छा वर्क नहीं किया बल्कि मेरी स्किन और भी ब्लैक नज़र आ रही थी। इसको लगाने पर ऐसा तो नहीं है कि आप इसको लगाएंगी तो आपका फेस एक टोन या दो टोन वाइट हो जाएगा, लेकिन हाँ ये मुझे अच्छा लगा। जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन क्लीन फील करती है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। मैं सन क्रीम का रिव्यू इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि सन क्रीम मुझे टैन होने से बचा रहा है। अगर मुझे भविष्य में ऐसा कोई भी सनस्क्रीन मिलेगा तो मैं आपको इसका उसका रिव्यू भी ज़रूर दूंगी टैन से बचने के लिए। टैन से बचना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बचे रहें और आप इसका यूज़ करते रहें और आप अपनी स्किन को कह सकें नो मेकअप लुक। को कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएँ और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।